नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, उसकी देख रेख, वो सब कुछ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों की क्लास थी। कैसा लग रहा है क्लास? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। स्विमिंग आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या चाहते हैं? ऐसी क्लास होते रहनी चाहिए दिन में, तीन बार दिन में। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? ये फीलिंग सो मच एंड काफी चीजें सीखने को मिली है। मास्क नीचे करके काफी चीजें सीखने को मिली है और काफी नए नए लोगों से भी मिलना हुआ है आज। बाकी और इन दोनों की ड्यूटी भी साथ में पहली बार है। तो आपको खुशी किस बात की? इन दोनों के साथ ड्यूटी लगने की खुशी किस बात की? इनके साथ ड्यूटी लगने की या क्लास की? इसमें कम से कम 1000 लाइक तो आ ही जाने चाहिए। शेयर कर देना। 10,000 लाइक सर। 10 लाइक गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो? चाय पीने कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेश हो गए? अच्छा, चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमने प्रिपेयर कर ली ओटी, सब चीज प्रोसीजर कर लिया। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमारा इंस्ट्रूमेंट वॉश करने और पैक करने हैं। तो उसका हमारा जो यहाँ पे प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो करेंगे यहाँ पे कैसे करते हैं और उसके अंदर हमारी क्या मिस्टेक है, मतलब अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल ने बना के हमें जो प्रोटोकॉल दिया वो पूरा फॉलो नहीं हो रहा ओटी में, लेकिन उसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम साइट को मतलब क्या क्या प्रोसीजर करेंगे। काउंट हमने कर लिया, उसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद फिर हमने उनको काउंट करके पैक करके और भेज दिया हमने। तो हम पहले वॉश करने से पहले भी कोई प्रोसीजर होता है जो हमें जो करना चाहिए? कितने देर के लिए डिप करने के रखना चाहिए? हाफ एन आवर, 20 to 30 minutes। मैम एग्जैक्ट क्या है यहाँ पे प्रोटोकॉल? 50 to 30 minutes। हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो इस वजह से हमें करना पड़ रहा है। कभी हमारी ऑटोक्लेव मशीन खराब होती है, कभी एक सेट होता है, कभी कई केस कराने होते हैं, कभी दो ओटियाँ होती है, तो उसके लिए हमें मतलब बहुत कॉम्प्रोमाइज करके फिर हमें काम करना होता है। लेकिन हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर हमारे पास रिसोर्स पूरे हैं, अगला हमारा कोई केस नहीं लग रहा है, इवनिंग का वो लास्ट केस है, तो हमें उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए पहले हमें उसको 15 to 30 minutes डिप करके रखना है, फिर उसको वॉश करना है, फिर ड्राई करना है, ड्राई करके पैक करके फिर हमें भेजना है उसको सीरियसली। तो उससे पहले हम मतलब कैसे पैकिंग के लिए हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे? और ग्रीन शीट्स होती है, और उसके अलावा क्या मटेरियल होता है हमारे पास? किस चीज़ के इंडिकेटर होते हैं? मैं पूछ रही हूँ पैकिंग मटेरियल क्या क्या होना चाहिए हमारे पास? सीट होगी और ट्रे होगा इसको, और उसके अलावा हमारे पास एक होता है एसएमएस पेपर। देखा किसी ने एसएमएस पेपर? नहीं देखा अभी तक किसी ने भी? ग्रीवेंस हॉस्पिटल में कहीं काम किया वहाँ पर? पहले तो आता था सप्लाई में। हाँ, डिस्पोजेबल सीट आता था पहले, अभी यहाँ थी, अभी नहीं है, 6 महीने पहले वो एक्चुअली में सीट तो नहीं थी, यूज़ करते ब्लू कलर का।